बोला कि मैं आरती को बचाना चाहता हूँ, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वो शहनाज को क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि शहनाज उनकी ज्यादा अच्छी दोस्त है, तो आसिम को लग रहा है कि शहनाज उनको टक्कर मिलने वाली है आगे जाके। एग्जैक्टली अब कॉम्पिटिशन पिक पर आ चुका है, हर कोई स्टार्टिंग से खेल ही रहा है, और अब एक हफ्ता आगे सभी को पता है कि शहनाज गिल की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लोग बाहर से आते हैं शहनाज शहनाज करते हैं, शहनाज हमारी फेवरेट है, मेरी मम्मी की फेवरेट है, मेरे दोस्त की फेवरेट है, मेरे वाइफ की फेवरेट है, हर कोई उनको यही बोल करके जाते हैं, तो सबको पता है कि शहनाज की बहुत फैन बेस बहुत तगड़ी है, तो कोई क्यों चाहेगा कि शहनाज गिल जो है टॉप थ्री में है उनके साथ फिनाले में खड़े हो, क्योंकि डर बना रहता है। तो आसिम ने भी कहीं ना कहीं इसी वजह से आरती का नाम लिया, क्योंकि आरती हमेशा बॉटम में रही है और पीछे ही रही है, इस वजह से आरती को वो इसलिए सेव करना चाह रहे थे अगर गेम प्लान से उनको देखा जाए, कि ताकि उन्हें कॉम्पिटिशन ना मिले। बिल्कुल पूजा, जैसे हमने देखा आरती के लिए बोलते हैं आसिम, तो वैसे भी शहनाज के लिए ज्यादा हमने देखा है, उनके लिए ज्यादा स्टैंड लेते नजर, आरती के लिए तो कभी हमने सुना भी नहीं कि आसिम कुछ स्टैंड ले रहे हैं या कुछ, तो अब क्यों? हो सकता है कि दो चीजों, क्योंकि अगर आप ये जैसे प्रशांत ने बोला कि उनको लग रहा हो कि हाँ ये हो सकता है कि दो तरीके से अगर सोचा जाए तो दोनों तरीके सही है, ये भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि आरती थोड़ी कम है, मतलब वीक है थोड़ी, तो उनको क्यों ना सेव कर ले, उनको क्यों ना, क्योंकि जो बाकी लोग को तो बचाई लेगी जनता, तो आगे क्यों ना उनको क्यों ना, ऐसा भी सोच सकते हो, और ऐसा भी सोच सकते हैं कि भैया कंपटीशन है, मुझे लगता है एंड का टाइम है, हर कोई अपना गेम खेल रहा है, जब सिद्धार्थ अपना गेम खेल सकता तो ऑब्वियस आसिम भी खेल सकता है। गाइस अब एक शो भी आने वाला है, ऐसी खबरें आ रही है खतरों के खिलाड़ी ऑल स्टार्स, तो इसमें सिद्धार्थ और रश्मि नजर आ सकते हैं, ऐसी खबरें हैं कि दोनों होस्ट कर सकते हैं इस शो को, तो इस पर आपका क्या कहना है पूजा? एक्चुअली ये सोर्सेस का कहना है कि एक शो आ रहा है, ये पता नहीं कि वो होस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, पर वो दोनों उस शो का पार्ट हो सकते हैं। तो मेरा मानना क्या है, जैसे अब अगर आपने देखा होगा पूरी जर्नी में, अब उनकी जो छोटी छोटी सी नोकझोंक होती है, थोड़ा मस्ती मजाक होता है, वो लोगों को काफी पसंद है, एज अ व्यूअर मुझे बहुत पसंद आता है, मैं उन दोनों को जब देखती हूँ तो मेरे फेस में स्माइल आ जाती है, चलो ठीक है यार लड़ाई हुई, ऐसे नहीं कि लड़ाई भी उनकी बहुत गंदी हुई है, तो अब वो दोस्त भले उनकी दोस्ती नहीं गई, मगर जो भी उन्होंने एक अलग, वो दोनों साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हंसी मजाक होता है, एक दूसरे की टांग खींचते, तो अगर किसी एक शो में अगर वो दोनों आते हैं तो मुझे लगता है कि वो शो भी ब्लॉकबस्टर होगा, क्योंकि अभी हमें देखने में इतना अच्छा लग रहा था, ऑब्वियस अगर पूरा शो अगर कोई होस्ट भी करते, क्योंकि लोगों ने पहले भी उन्हें देखा है दिल से दिल तक में वो जब थे, तो तब भी उनकी फैन फॉलोइंग मुझे लगता है दोनों को मोस्टली इसी शो से जाना जाता है, क्योंकि वो दोनों एज अ कपल बहुत अच्छे लगते हैं देखने में ऑन स्क्रीन। प्रशांत, जैसे बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सुना था, रिपोर्टर्स ने कहा था अगर रश्मि और सिद्धार्थ आपको फिर से काम करने का मौका मिलता है तो आप करेंगे कि नहीं, वहीं अब जो ये खबरें आ रही हैं कि एक शो जल्द ही मिल सकता है रश्मि और सिद्धार्थ को जिसमें वो होस्ट बन सकते हैं, तो इस पे तुम्हारे क्या? देखिए दोनों को काफी पसंद किया जाता है, जैसे पूजा ने भी बोला कि दिल से दिल तक में दोनों की केमिस्ट्री जोड़ी इतनी अच्छी लगती थी कि यही वजह है कि मेकर्स ने बिग बॉस में भी इन दोनों को साथ में लेकर के आए, चाहे इनका विवाद रहा हो चाहे कुछ भी रहा हो। और दूसरी चीज ये कि तुमने भी देखा होगा जब ये दोनों लड़ते हैं, लड़ाई से ज्यादा ही जो इनकी खट्टी मीठी जो नोकझोंक होती है और जो रोमांस होता है वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, फैंस के कहने पर ही घर में इनके लिए दोनों का एक रोमांटिक गाना इनके लिए रिक्रिएट किया गया था जो शहनाज ने डायरेक्ट किया था, तो कहीं ना कहीं दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। और अब जिस तरीके से दोनों साथ में है, अब डिफरेंसेस भी कम हो गए और बाहर आएंगे तो कलर्स है भैया, बिग बॉस का ही कलर्स है और वो टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं चैनल्स वाले, तो कहीं ना कहीं चाहेंगे ही कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि शहनाज के लिए भी एक शो लेकर क्या जा रहा है स्वयंवर का, तो वो भी वो चाह रहे हैं कि कलर्स पर ही आए, कोई और चैनल उसको ना ले ले, तो उसी तरह इन दोनों की केमिस्ट्री पर भी टीआरपी जितनी आई है तो क्यों ना अलग से कोई शो ला करके उस चीज को भी दिखाया जाए, तो काफी अच्छा रहेगा। जाते जाते पूजा बात कर लेते हैं, सोफिया हयात जो कि बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, उन्होंने डायरेक्टली आरोप लगाया सलमान खान पर, उन्होंने वीडियो बनाया है अपने ट्विटर पर और कहा है कि सलमान खान की वजह से इंडिया में वायलेंस बढ़ रहा है, जिस तरीके से बिग बॉस बायस है और बिग बॉस में इतना वायलेंस दिखाया जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? वैसे तो सोफिया जो भी बोलती हैं बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है, वो हर बार बहुत कुछ ऐसा बोल देती हैं जो कई बार सेंसलेस होता है, पर इस बार उन्होंने जो बोला है कि वो हर कोई बॉस बोल रहा है, सबसे पहले कि बिग बॉस बायस्ड है, सलमान सिद्धार्थ का सपोर्ट कर रही है, ये हर कोई बोल रहा है, क्योंकि और आसिम को टारगेट कर रही है, ये भी बोल, क्योंकि आपने पिछले सीजन को अगर आप कंपेरिजन करेंगे ना, इस बार का सीजन बहुत वायलेशन बहुत ज्यादा हुआ है, हर कोई एक दूसरे को धक्का मार रहा है, तो आप एजाज खान की बाइट सुनेंगे तो उन्होंने आपने देखा भी होगा सीजन, तो अली को उन्होंने जस्ट ऐसे धक्का मारा तो निकल गए थे, तो अभी यहाँ पर लोग बकायदा एक दूसरे को थप्पड़ भी मार रहे हैं, एक दूसरे को धक्का बिना हाथ पीछे करके मारे जा रहे हैं, तो लोग चाय भी फेंक रहे हैं, कुछ भी हो रहा है,
इस बार का सीजन बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि अगर आप ऐसे ही चलता रहा और बिग बॉस ऐसे से आगे बोलते कि आप एक हफ्ते के लिए नॉमिनेट है तो फिर आगे के सीजन में तो भैया थप्पड़ मार देंगे लोग एक दूसरे को। तो अगर उन्होंने बोला है बायस को लेकर वो चीज सही है। हाँ एक्चुअली वो उस घर में रही है तो उनको ज्यादा अच्छे से पता है कि उस घर में कितना मेंटल लेवल चाहिए उस चीजों को हैंड टैकल करने को लेकर। तो उनका अरमान कोहली से भी उन्होंने कंपैरिजन करा क्योंकि अरमान कोहली भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते थे तब भी उनके लिए भी बायस्ड होते थे। इसलिए मैं हर बार डिस्कशन में ये जरूर बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि बिग बॉस बायस्ड होते हैं और बिग बॉस एक फिक्स्ड है कि जिसको उनको बनाना होता है वो उन्हीं को ही थोड़ा ऊपर ले आते हैं। बाकी क्योंकि जैसे कि एक सराउंडिंग होता है पिछली बार का सीजन वो जो अरमान कोहली वाला भी था वो अरमान कोहली और तनिषा के बीच का ही था बहुत ज्यादा उनके वो कुछ भी करते थे उनको लेकर सलमान नहीं बोलते थे इस बार गौहर खान को लताड़ और गौहर खान को लताड़ देते थे। तो इस बार के सीजन में भी आप देखेंगे तो सिद्धार्थ को लेकर कोई कुछ नहीं बोलता है। सिद्धार्थ को लेकर बोला भी जाता है ऐसा नहीं मगर बाहर बहुत लोग सपोर्ट में भी है कि नहीं ऐसा नहीं है बायस नहीं है पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बायस। और सोफिया हयात का वीडियो भी क्योंकि बहुत सारे कमेंट उस वीडियोज में आते सब बोल रहे कि हाँ आपने सही बोला आप सही बोल रहे हो। तो ऑब्वियसली इतने लोगों की एक जना गलत बोलता है दो जने गलत बोल सकते इतनी सारी जनता एक बात नहीं बोल सकती ना। लेकिन जिस तरीके से एक और चीज उन्होंने बोली है कि सलमान खान के ऊपर वायलेंस का उनकी वजह से चीजें बढ़ रही हैं तो ये बात उनकी गलत है कि सलमान खान की वजह से सलमान भले ही सिद्धार्थ को लेकर बायस हो लेकिन घर में जब भी ये सब चीजें होती हैं या बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है तो सलमान हमेशा डेफिनेटली गुस्सा होते हैं और अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। इवन वो सीधा बोल देते हैं कि जाओ निकल जाओ। बीच में मैंने देखा कि था जब सभी घर वाले ने एक दूसरे से लड़े थे किसी की उंगली में लग गई थी किसी की कुछ हो गया था तो सीधा सलमान ने बोल दिया था तुम इस तरीके से सभी एक दूसरे को मारा मैं गेट खोल देता हूं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सलमान थोड़े से बंधे हुए फील करते हैं मुझे लगता है कि वो बोलना चाहते हैं पर मेकर्स के थ्रू वो शायद नहीं बोल पाते ऐसा लगता है। प्रशांत यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला भाई जैसी चाबी लेते हैं वो जाकर पारस छाबड़ा को बचा लेते हैं जो लोगों को बात नहीं समझ आ रही क्योंकि जो सिद्धार्थ शुक्ला है वो आरती सिंह को बहुत पहले से जानते हैं शहनाज के साथ उनका बहुत ही प्यारा बॉन्ड हमें देखने को मिला है। तो वाई पारस छाबड़ा तो यहाँ पर जो मैंने ट्विटर देखा और जैसे मैंने आपको बताया मैं ट्विटर और सोशल मीडिया पर नजरें रखती हूँ अपनी तो मैंने वहां ये देखा और ये पाया कि लोग कह रहे हैं कि जो सिद्धार्थ शुक्ला है इन्होंने यहाँ पर अपना बहुत ही गेम और मास्टर प्लान बनाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि पारस छाबड़ा जैसे वीक कंटेंडर क्योंकि शहनाज को अगर वो ऊपर लेकर जाएंगे अपने साथ तो उनके लिए खतरा हो सकता है। तो वहीं बहुत सारी बातें सामने आ रही है लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने पे बैक कर दिया जैसे हमें पूजा ने भी बताया तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये कौन सा टाइम था पे बैक करने का राइट क्योंकि रामबान की तरह था आपकी इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी इस वक्त। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो भी सिद्धार्थ शुक्ला ने किया ये क्या है। सिद्धार्थ शुक्ला के यहाँ पर दो पॉइंट देखे जा सकते हैं पहले तो उन्होंने पारस को बचाया ये सोच करके कि देखिए पारस और आरती के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है वोटिंग को लेकर के अगर वो शहनाज को बचाते तो उनको टफ कंपटीशन मिलता लेकिन पारस को बचाने में एक चीज ये हुई कि लोग ये देखेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला ने हमेशा उस आरती को बचाया और पारस जिसके साथ उसकी इतनी नहीं भी पड़ती है उसने उसको भी बचाया है। मतलब दोस्त को एक दोस्त को बचाना हर किसी के लिए जायज है कि दोस्त को बचाया लेकिन अगर एक ऐसे उसको बचाना जिसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फिर भी तुमने उसको बचा लिया तो यहाँ पर एक हीरोइन टाइप की चीज होती है हीरो बनना तो वो यहाँ पर उन्होंने वो चीज भी करी एक तीर के साथ साथ दो निशाने खेले उन्होंने पारस को बचा के ऑडियंस की नजरों में भी ये चीज में वो आगे की बताओ यारों के यार है देखो इतना अच्छी दोस्ती भी नहीं है तो भी उसने उसको इम्यून कर लिया उसको बचा लिया। और दूसरी तरफ उन्होंने शहनाज और आरती में से भी किसी एक को नहीं बचाया क्योंकि शहनाज से भी अच्छी पड़ती है और आरती से भी बहुत पड़ती है और इन दोनों को बचाने के चक्कर में पहले भी वो काफी बार फंस चुके हैं तो उन्होंने सेफली खेला पारस को भी बचा लिया हीरो भी बन गए और उन दोनों के भी बुरे नहीं बने। तुझे क्या लगता है? एक्चुअली आपने पहले भी सीजन देखा होगा जब आरती मतलब पहले के जो टास्क हुए उसमें भी जब सिद्धार्थ ने आरती को बचा दिया था तो शहनाज ने बवाल क्रिएट कर दिया था फिर उनको मनाने के लिए बहुत टाइम लगा दिया था सिद्धार्थ ने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिद्धार्थ इन सब चीजों से अब सब सोच रहे होंगे कि यार अब इतना एंड हो चुका है अब मैं क्यों उस चीज में फंसना पड़ूं। तो ऑब्वियसली दोनों को वैसे किसी को भी सेव करते तो एक जना हर्ट होगा तो मुझे लगता है इसलिए उन्होंने स्मार्टली गेम खेला और उन्होंने कहा कि मैं पारस को पे बैक कर देता हूँ। मतलब मुझे अभी भी नहीं याद आ रहा कि कब उन्होंने पे बैक किस चीज को लेकर पे बैक नहीं मुझे भी मैंने भी सीजन इतने उससे देखा कि पारस ने कहीं भी भले वैसे बातों से सपोर्ट किया है लेकिन सेव करना म्यून करना ये कहीं नहीं किया क्योंकि माहिरा लगातार पूरे टाइम शो में बनी हुई है और उनकी पहली प्रायोरिटी माहिरा ही है और अभी तक वो माहिरा को बचाते आ रहे हैं। आरती हमेशा पर प्रायोरिटी हमने मोस्ट ऑफ द टाइम आरती का देखा है भले ही वो सना के साथ कितना भी उनका बॉन्ड हो कितना भी हो
हर बार वो उसको धोखा दे देता। आसिम गलत नहीं बोल रहा, आसिम ने भी वही चीज बोली कि भैया तुम शुरू से किसी के साथ हो तुम उसका साथ क्यों नहीं दे रहे। ऑब्वियस है ये ऐसा तो था नहीं कि एक हफ्ते का सिर्फ सेविंग था, ये ऑब्वियस है लास्ट था टॉप पे पहुंचने वाला था। और ऑब्वियसली तुम जब सना हमेशा बोलती कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बगल में हमेशा सिद्धार्थ हो, तो क्यों अगर तुम्हारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है तो सिद्धार्थ क्यों नहीं कह सकता कि हाँ मेरे को भी इसी को सेव करना, मेरे साथ भी ये खड़ी हूँ। क्योंकि मुझे जो प्रशांत ने बोला कि हाँ कि उनको कहीं ना कहीं डर है, अब वो भी गेम खेल रहे हैं, भले ही वो लोग बोलते होंगे कि उन्होंने गेम नहीं खेला, गेम नहीं खेला, भले अब मान जाए उनके फैंस कि इस बार उन्होंने गेम खेला। ऑब्वियस है कि पारस इतना स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू सना, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, कंपैरिजन अगर देखा जाए तो वो वोटिंग लाइन में कम है। आरती भी मुझे लगता है कि उनसे ऊपर होंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला थोड़े और गलत भी हैं। अगर वो आरती को बचा भी लेते, शहनाज के साथ उनकी काफी बार लड़ाई हुई है, उन्हें पता है कि वो हर बार मान जाते हैं। देखा जाए तो जनता उन्हें बचाई लेती है, और सिद्धार्थ को भी पता है कि शहनाज बहुत स्ट्रांग है, वो उनको सेव नहीं भी करते तो बाहर और अंदर सबको पता चल रहा है। सेव करना चाहिए क्योंकि अगर उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, वो हमेशा उनको सिक्योर मतलब प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज से, तो इस बार भी उन्हें करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे कि इस भसड़ से मुझे नहीं घुसना, कि वापस झगड़ा हो जाए, वापस सना हर्ट हो जाए, और फिर वो उसको मनाते फिरते रहे इस चीज को वजह से भी। मैं दोनों तरीके से देखा, बाकी आज के एपिसोड में पता चलेगा कि सिद्धार्थ उसको क्लैरिफाई भी कर देंगे क्या पता कि क्या हो। पर मुझे मैंने जो एपिसोड देखा उसमें भी सना और आरती को रोती हुई दिखी, अब पता नहीं वो किस बात पे रोई है। पर हाँ सना ने ये बोला है कि भैया तुम अब हमारे बीच में फूट मत। वो आसिम को ही उल्टा भड़कती उन पे नजर आती है, कहीं ना कहीं अब जो सिद्धार्थ का जो रिश्ता है वो नहीं टूटने वाला गाइस, अब क्योंकि एक हफ्ता बचा है, लोगों को लग रहा था इवन कि जब हमने प्रोमो देखा तो मुझे तो लगा था कि भाई अब शहनाज फिर से भड़केंगी कि तूने भाई पारस को भी बचा लिया क्योंकि पारस तो मेरा दुश्मन है कट्टर, तो लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ दोस्तों। उल्टा जो शहनाज है वो भड़की नहीं है, और लेकिन आरती कहीं ना कहीं इमोशनल होती नजर आ रही है, लेकिन वो आज हमें पता चलेगा क्या सीन है। लेकिन हमें एक्चुअली प्रोमो में भी उल्टा ही दिखता है, अगर हम कुछ प्रेडिक्ट कर भी लेते तो उल्टा ही आता है। एक चीज मैं ये और बोलना चाहूंगा, जैसे शहनाज को हमेशा कहा जाता है कि वो फ्लिपर है या साथ नहीं देती है, लेकिन तुमने अब तक पूरा सीजन निकल चुका है और एक चीज तुमने नोटिस करी होगी कि शहनाज का ही कोई लास्ट टाइम पर साथ नहीं देता है। पारस के साथ वो रही थी, पारस ने उन्हें कभी इम्यून करने की कोशिश नहीं करी, कभी नहीं बचाया। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनका इतना अच्छा बॉन्ड है, उसके बावजूद भी सिद्धार्थ उन्हें आज तक चाहे पहले वो इम्यून करने वाले थे लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आया था, वो कहते अच्छा मुझे लगा दोनों को ही सेफ हो जाएंगे। अगर सिद्धार्थ की बात करें प्रशांत, तो ऐसे बहुत बार हमने देखा है कि उन्होंने शहनाज को भी बहुत जगह सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया, लेकिन मुझे यही लगता है दोस्तों कि अभी बहुत ही पीक पॉइंट था गाइस, यहां पर सिद्धार्थ को अपने दोस्तों को बचाना चाहिए था, पारस को वो छोड़ देते तो ज्यादा बेटर रहता, ऐसा जनता का भी कहना है। वेल गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम आपके लिए बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरें लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे।